श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर की ओर से संस्थान के प्रेरक उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज के शुभाशीष से प्रशासन द्वारा सौंपे इलाकों में भोजन वितरण का कार्यक्रम आज भी जारी रहा। इस अवसर पर पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि भारतीय परंपराएं व्यक्ति के पास पुण्य के प्रताप से संचित धन संपदा में समाज का भी हिस्सा मानती है, इसलिए जरूरतमंदों को कुछ देना अपने लाभ का कुछ अंश समाज को देने के समान है। देना किसी पर उपकार नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी तन्मयता से निभाना और समाज के ऋण को चुकाना है। यदि किसी की मजबूरी और दुख से पसीज कर व्यक्ति किसी को कुछ देता नहीं है तो उसमें क्रूरता निर्दयता आ जाती है, जो मानव जीवन को उसके स्वाभाविक गुण कोमलता अनुकंपा तथा दया से वंचित कर देती है। इन कारणों से परोपकार सेवा और सहयोग का उपदेश सभी महागुरुओं ने दिया है। संकट काल में शुद्ध स्वार्थपूर्ण सोच के तंग दायरे से बाहर निकलकर दूसरों का भला करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अन्नदान को सर्वाधिक महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि अन्न की शक्ति से ही प्राण शरीर में टिके रहते हैं। आपको बता दें कि लगभग 2800 लोगों को पूरी सब्जी तथा पुलाव बांटा गया। इस अवसर पर हरियाणा में सत्ता सहयोगी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कुंडली मानसर पलवल राजमार्ग परियोजना प्रमुख विपिन शर्मा तथा शुगर मिल करनाल के प्रबंधक निदेशक तथा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के उप सचिव प्रद्युमन सिंह आज भोजन वितरण सेवा में लगे हुए हैं। वह गाड़ियों को रवाना करने तथा स्वयं सेवा का उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए। इस मौके पर जजपा महासचिव ब्रिज शर्मा ने आराधना मंदिर से अपने बहुत पुराने जुड़ाव का जिक्र करते हुए पीयूष मुनि की प्रेरणा से संस्थान द्वारा भोजन वितरण, शिक्षा, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र से किए जा रहे कार्यों की भरपूर सराहना की। वहीं शुगर मिल के प्रबंधक निदेशक प्रद्युमन सिंह ने समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की खुले दिल से तारीफ करते हुए कोरोना से मानव जाति के बचाव के लिए महापुरुषों की कृपा दृष्टि की जरूरत की चर्चा की है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। प्रेरणा से और जिनके मार्गदर्शन में यह लंगर निरंतर चल रहा है। प्रशासन ने बीच में लॉकडाउन को सीवियर किया था, उसके कारण ये लंगर बंद हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन कल से पुनः ये लंगर शुरू कर दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहब से कि वह कृपा करके अपना मार्गदर्शन दें और आए हुए महानुभावों को अपना आशीर्वाद दें। भारतीय संस्कृति में जो परंपरा और विधान बनाया गया है उनके अनुसार समाज में जो भी साधन संपन्न लोग हैं, जिन पर लक्ष्मी देवी की कृपा है, उनका यह नैतिक फर्ज, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग पुण्य की कमी की वजह से अभावग्रसित हैं, जरूरतमंद हैं, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मोहताज हैं, उन्हें उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए, अपने साधनों का समविभाग करते हुए, अपने पास एक्सेस में विद्यमान वस्तु दूसरों को देकर उनके अभावों की पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी परंपरा के अनुसार भारत के सारे धर्म, सारी परंपराएं, सारी विचारधाराएं परोपकार, दान और दूसरे व्यक्ति का सहयोग करने की प्रेरणा देती हैं, और इसी सनातन परंपरा का पालन करते हुए भारत में विद्यमान सभी धर्म स्थल इस आपदा की घड़ी में अन्न दान, भोजन दान के माध्यम से लोगों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि ये पूज्य गुरुदेव श्री जी की कर्म स्थली श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर की प्रबंध समिति और यहाँ से जुड़े हुए श्रद्धालुओं के सहयोग से पिछले काफी दिनों से ये भोजन वितरण का कार्यक्रम निर्विघ्न और सुचारू रूप से चल रहा है। और जब तक देश में इस तरह की विपदा की स्थिति रहेगी, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी भक्त जनों के सहयोग से यह भोजन वितरण कार्यक्रम मोहताज होकर उसे हसरत भरी निगाहों से देखने की नौबत ना आए, आप स्वयं उसके दुख को अपना दुख समझते हुए अपने सुख में कटौती करके उसको उन सुख साधनों को मुहैया और उपलब्ध कराने का प्रयत्न करके मानव होने का सही परिचय देवे, और इस तरह परोपकार का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है उसे अपने जीवन में अर्जित करने का प्रयत्न करें। भारतीय परंपरा कहती है परोपकरणम येषां जागृति हृदय सताम नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदेषु पदे पदे। महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जिनके मन में परोपकार की भावना है उनकी सारी मुसीबतें, सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो कुछ भी
आपकी आवश्यकता से ज्यादा है, आप उसे निसंकोच दूसरों को बांटने और देने का प्रयत्न करके अपने जीवन अपने सुख साधनों को सफल करें। बस आप सभी के लिए यही मेरा संदेश है। आज इस अवसर पर बहुत से गणमान्य और प्रतिष्ठित अतिथिगण भी यहाँ पर सभी स्वयं सेवकों को उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इनके लिए भी मेरा यही मंगलमय आशीर्वाद और शुभकामना है कि ये इसी तरह समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, अपना भी कल्याण करें और समाज के कल्याण में भी सहयोगी और सहभागी बने। ओम शांति। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.